नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ेंगे जो आपकी वैन डेर वाल गैस इक्वेशन है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ना, यानी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो आप जानते हैं, जो रियल गैस की इक्वेशन है जिसे आप वैन डेर वाल गैस इक्वेशन भी कहते हैं वो आप पढ़ तो चुके हैं, बीच में आपको यूज पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स में, लेकिन अब उसे प्रूफ करेंगे वो कैसे कैसे है ना आई। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम सबसे पहले आप हेडिंग लिखें कि ये जो रियल गैस की इक्वेशन है इसकी जो स्टेट है, इसकी जो अवस्था है वो कैसे अलग है आइडियल गैस इक्वेशन की अवस्था से, है ना, स्टेट से। तो हेडिंग लिखो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस किसका है, डिफरेंस ऑफ स्टेट, बल्कि डिफरेंस ऑफ इक्वेशन। डिफरेंस किस में है, इक्वेशन में है, डिफरेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस, ठीक है जी। जो रियल गैस की स्टेट है, अवस्था है, उसकी जो इक्वेशन है वो डिफरेंस उसमें कैसे है, तो डिफरेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस है ना, और किसके साथ, विद, डिफरेंस किसके साथ बता रहे हैं, विद इक्वेशन ऑफ है ना स्टेट ऑफ आइडियल गैस या फॉर आइडियल गैस, ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस है ना ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस विद इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, इस तरीके से। कई बार स्टेट की दो बार देखो स्टेट वर्ड आ रहा है तो नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए कई बार वो प्रोनाउन दे देता है, कहता है विद इक्वेशन ऑफ दैट ऑफ आइडियल गैस, है ना, दैट का मतलब है स्टेट, ठीक है जी। इसका मतलब है जो रियल गैस की अवस्था है, स्टेट है, वो कैसे अलग है ना आइडियल गैस की स्टेट से, है ना, और उनकी इक्वेशन भी कैसे अलग है। भाई जब दोनों की स्टेट अलग होगी, अवस्था अलग होगी, दोनों की कंडीशन अलग अलग होंगी तो दोनों की इक्वेशन भी अलग अलग होंगी, ठीक है, इस तरीके से वो कहना चाह रहा है। तो हेडिंग जो है आप समझ गए होंगे, आप बस हेडिंग यदि समझ गए तो बस अब इनमें अंतर देख लेते हैं। देखो अंतर तो सिर्फ यही है कि जो आइडियल गैस थी आपकी, है ना, जो क्या थी आइडियल गैस, उसमें दो एजम्पशंस माने गए थे, है ना, दो एजम्पशंस यानी कि अवधारणाएं मानी गई थी, है ना, टू एजम्पशंस, ठीक है, उसमें दो अवधारणाएं मानी गई थी। पहली अवधारणा ये थी कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है जी, गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है इज नेग्लिजिबल, ठीक है जी, नगण्य था विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है जी। उसमें माना गया था कि गैस के अणु का जो वो है आयतन, मॉलिक्यूल के जो गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, यानी नगण्य है पूरी गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। यानी कहने का मतलब है जो वॉल्यूम, मतलब जो मॉलिक्यूल है गैस का, वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल है, यानी अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है जी, यानी नेग्लिजिबल है उसका वॉल्यूम किसकी तुलना में, पूरी गैस के वॉल्यूम की तुलना में। आइडियल गैस में ये बात मानी गई है, ये अजम्पशंस माना गया है, और आइडियल गैस इक्वेशन को है ना पी वी बराबर आर टी को बनाते टाइम, उसे प्रूफ करते टाइम, उसका फॉर्मूला प्रोड्यूस करते टाइम ये अजम्पशन माने गए थे। तो उनमें से एक अजम्पशन तो ये माना गया और दूसरा अजम्पशन ये माना गया था कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है जी, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच, तो देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स है ना बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। यानी
गैस के अणुओं के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो ये दोनों अवधारणाएं मानी गई थी जब आइडियल गैस इक्वेशन को, है ना, इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन अब रियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो रियल गैस में ये दोनों अवधारणाएं नहीं होती हैं, ठीक है। रियल गैस में जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो नेगलिजिबल नहीं समझा जाता, ठीक है, फाइनाइट वॉल्यूम होता है रियल गैस में, ठीक है। और दूसरी बात, रियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो दोनों इसकी अपोजिट बातें रियल गैस में मानी गई हैं, इसी कारण जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो डिफरेंट होगी रियल गैस इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है ही नहीं ये, यानी आइडियल गैस इक्वेशन जिन एजम्पशंस पर, यानी जिन अवधारणाओं पर टिकी है, वो अवधारणाएं तो रियल गैस में एक्सपेरिमेंटली प्रयोगात्मक रूप से फॉलो होते ही नहीं है। तो इसी कारण जो इक्वेशन है रियल गैस की और जो इक्वेशन है आइडियल गैस की, वो आपस में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ये बात मैंने आपको समझाई। आगे देखो, इसकी लैंग्वेज लिख करके आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वही बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल वही बातें आपको लिख देनी है, ठीक है जी। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो, हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, है ना। ये बात तो मैंने इसलिए बताई कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से किस तरीके से अलग होती है, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट होती है। तो हेडिंग डालें डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है जी। तो ध्यान देना, जो वैन डर वाल साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन में ही दो करेक्शन किए, ठीक है। तो कौन कौन से करेक्शन थे, जैसे मान लो आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है ना, फॉर वन मोल गैस क्या होती है, पीवी बराबर आरटी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पीआई वीआई बराबर आरटी मान लो, ठीक है जी, ठीक है, पीवी बराबर आरटी होता है। लेकिन आपने क्या माना, पीआई वीआई बराबर आरटी। तो आप देख के बताओ पीआई क्या है, है ना, मैं आपको बेहर करके बता दूं, पीआई बराबर है प्रेशर, ठीक है। आई से मतलब है आइडियल गैस के लिए, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, और वी आई क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, क्लियर है। तो मैक्सवेल कह रहा हूँ, वैन डर वाल ने दो करेक्शन किए, है ना, इसमें जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उसमें दो करेक्शन किए। पहला करेक्शन है आपका फाइनाइट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, करेक्शन फॉर फाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है जी, करेक्शन फॉर फाइनाइट वॉल्यूम, यानी कि निश्चित आयतन के लिए, है ना। करेक्शन को क्या बोलते हैं, देख लेना, जो भी कहते हैं, संशोधन कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित आयतन के लिए संशोधन, यानी वैन डर वाल ने मॉडिफाई किया इस इक्वेशन को, ठीक है जी। तो करेक्शन किया, है ना, मॉडिफाई किया, तो किसके लिए पहले किया, मतलब पहले जो हम समझा रहे हैं किसके लिए, फाइनाइट वॉल्यूम के लिए, निश्चित आयतन के लिए, ठीक है जी। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आइडियल गैस में समझा जाता था कि जो वॉल्यूम है गैस का, वो बहुत, मतलब उसके रेस्पेक्ट में जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है जी, क्लियर है। देखो ध्यान दो, और रियल गैस में ऐसा नहीं है, रियल गैस में नेग्लिजिबल नहीं माना गया। तो जो रियल गैस का वॉल्यूम है, मान लो आइडियल गैस का वॉल्यूम तो वी आई है, तो रियल गैस का जो वॉल्यूम है वी, है ना, मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम
ऑफ रियल गैस, ठीक है जी। ध्यान देना, जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा या नहीं। मतलब देखो, ध्यान देना, जैसे ये एक बर्तन में गैस भरी है, ठीक है, ध्यान देना, तो ये कह रहे हैं कि इसमें एक गैस का मोलिक्यूल है, बहुत सारे गैस के मोलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से वो कह रहे हैं कि ये जो गैस के मोलिक्यूल का वॉल्यूम है, पहले कहते थे ऐसा ना आइडियल गैस इक्वेशन में, कि गैस के मोलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है पूरी गैस के वॉल्यूम की तुलना में, ठीक है। तो इसका मतलब है गैस के मोलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ना, वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ गए। पूरी गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम है ना, जो है मान लो वी आई है, तो अब वी आई नहीं है केवल वॉल्यूम, ठीक है, पहले तो केवल वॉल्यूम माना गया वी आई, अब वॉल्यूम वी आई नहीं है, अब इसके मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी कुछ मान लिया गया, मतलब ये भी नेग्लिजिबल नहीं है, फाइनाइट है, ठीक है, तो इसके लिए कॉन्स्टेंट आया बी, ठीक है जी। इसका मतलब है रियल गैस में जो वॉल्यूम होगा, ध्यान देना, रियल गैस में जो वॉल्यूम होगा वो केवल वी आई नहीं होगा, मतलब गैस का ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, मतलब गैस का ही वॉल्यूम नहीं होगा, बल्कि जो आपने नेग्लिजिबल माना था वो वॉल्यूम भी होगा, तो उसके लिए कॉन्स्टेंट आया बी, है ना, जिसे आप फाइनाइट वॉल्यूम के तौर पे देखते हैं, ठीक है, वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो फाइनाइट वॉल्यूम है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ध्यान दो, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स को मोशन करने के लिए जो वॉल्यूम मिल रहा था वो वी आई मिल रहा था नहीं, ठीक है, और आपने कुछ जगह नेगलेक्ट कर दी थी, ठीक है, मतलब ये नेगलेक्ट मान ली थी, लेकिन अब नेगलेक्ट नहीं है, तो इसका भी अंशदान रहेगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इसलिए ये भी ऐड हुआ, ठीक है। बी को बोलते हैं को वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एक वॉल्यूम है, इसे बोलते हैं को वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से वी आई बराबर क्या आएगा, वी माइनस बी, ठीक है जी। वी आप जानते हैं वॉल्यूम है रियल गैस का, और वी आई क्या है, वॉल्यूम है आइडियल गैस का, तो करेक्शन ये किसके लिए हुआ, फाइनाइट वॉल्यूम के लिए। तो बस इसकी लैंग्वेज है ना लिखनी है हमें, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, तो चलो मैं एक लाइन लिख भी देता हूँ, है ना, क्या लिखें, यानी जो एक्चुअल वॉल्यूम है भाई, पहले वॉल्यूम वी आई था, अब जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो यही लिख देते हैं, देखो ध्यान दो, ये जो बात लिखी है इसकी लैंग्वेज, द एक्चुअल वॉल्यूम, यानी जो वास्तविक वॉल्यूम है, वास्तविक वॉल्यूम वी आई नहीं है, है ना, मतलब वी आई केवल वी आई नहीं है, वी आई जो है वो वी माइनस बी है, ठीक है। द एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल जो उपलब्ध है ना फोर मॉलिक्यूल्स टू मूव, गैस में मूव करने के लिए, है ना, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स गैस में मोशन करते हैं ना, तो उनके लिए जो एक्चुअल अवेलेबल वॉल्यूम है वो कितना है, तो द एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव इज, है ना, कितना है, ये एक्चुअल वॉल्यूम वी आई नहीं था केवल, है ना, मतलब वी आई मतलब वी नहीं है, वी आई बराबर वी नहीं है, कुछ कम है, ठीक है, तो कैसा है, इज लेस देन, ठीक है जी। और कम क्यों है, देखो ध्यान दो भाई, पहले माना जा रहा था कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये तो जगह घेर ही नहीं रहा, ये तो नेग्लिजिबल है, तो सारा ही, है ना, ध्यान देना, जो वी आई है वो आपका वी के बराबर होता था नहीं, और पी आई पी के बराबर होता था, तो पी वी बराबर आर टी होता था, समझ गए ना। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं माना जा रहा कि इसका मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल है, हम कह रहे हैं कि भैया नेग्लिजिबल नहीं है, जो वी आई है ना वो वी के बराबर नहीं है, जब इसका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप नेग्लिजिबल मान रहे हो, तो आप कह देते हो कि गति करने के लिए, मोशन करने के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए पूरा का पूरा वॉल्यूम आपको मिल रहा है, लेकिन आपको पूरा वॉल्यूम नहीं मिल रहा, आपको सारे वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, तब जो वॉल्यूम बचा वो आपके पास है मोशन करने के लिए अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या आएगा, वी माइनस बी,
समझे। तो इसका मतलब है पहले माना जा रहा था कि आपको वी आई किसके बराबर था, वी के बराबर है ना, और पी आई पी के बराबर था, तो पी बराबर आर टी थी इक्वेशन। लेकिन अब ऐसा माना जाता है, और पहले ऐसा क्यों माना जा रहा था, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेगलिजिबल मान लिया गया। तो हम फिर ये समझा गया कि जो मोशन करने के लिए जगह है ना, वॉल्यूम है, वो सारा का सारा हमें मिला है, मतलब उतना ही है जितना गैस का है, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो नेगलिजिबल मान लिया था ना। लेकिन अब कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है नेगलिजिबल नहीं होता है, इसलिए जो मोशन करने के लिए एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स के, मोशन करने के लिए, मूव करने के लिए, वो कम होता है, ठीक है, किससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से कम होता है ना। और क्यों कम होता है, तो इसका घटेगा ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, गैस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। तो ये बात है ना, दैट इज करके ऐसे लिखी जा सकती है कि वी आई बराबर क्या होता है, वी माइनस बी होता है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे किसकी ओर, सेकंड करेक्शन की ओर, है ना, तो इसे तो समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो करेक्शन आया है वी आई बराबर आया है वी माइनस बी, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेना। अब सेकंड करेक्शन किसके लिए है, सेकंड करेक्शन है आपका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो करेक्शन फॉर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, यानी अंतरणविक आकर्षण बल के लिए है ना संशोधन। देखो ध्यान दो, ये तो आप समझ गए, समझने की चीज़ है थोड़ी, है ना, बस और कुछ नहीं है, तो समझ गए होंगे। अब आप सुनो ध्यान से, देखो एक मॉलिक्यूल जो कंटेनर में कहीं बीच में है, आप देखो पहले तो ऐसा माना गया था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, लेकिन रियल गैस में माना गया है कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो देखियो एक मॉलिक्यूल जो बीच में है, इधर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला अपनी तरफ करेगा, नीचे वाला अपनी ओर करेगा, ऊपर वाला अपनी तरफ करेगा, तो चारों दिशाओं में, हर दिशा में, मतलब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हैं, चाहे ये हो, है ना, चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इस पर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस पर जो है फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है या नहीं, संतुलित बल है, चारों तरफ से बराबर बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर है ना, यहाँ पर कैसा है, फोर्स बैलेंस्ड है। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है उस पर तो अंदर की ओर फोर्स लगेगा बस, ऐसे उधर तो लगने का नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो वॉल के निकट है, दीवार के निकट है मॉलिक्यूल, है ना, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इनवर्ड्स है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ रिजल्टेंट या नेट फोर्स कह दो, रिजल्टेंट या नेट फोर्स, ठीक है, किस पर, ऑन ए मॉलिक्यूल, एक ऐसे मॉलिक्यूल पर जो किसके निकट है, नियर द वॉल, इज इनवर्ड्स, अंदर की ओर है या नहीं, फोर्स, फोर्स अंदर की ओर है, तो यूनिट एरिया पर फोर्स अंदर की ओर होगा, यानी प्रेशर अंदर की ओर हो जाएगा। तो जो प्रेशर वॉल पर लग रहा था, ध्यान देना, जो प्रेशर वॉल पर लग रहा था है ना, वो घट जाएगा, घट जाएगा या नहीं भाई। पहले माना जाता था प्रेशर जो पी आई है ना, वो पी के बराबर है, तो पी आई की जगह पी रख देते थे, वी आई की जगह वी रख देते थे। लेकिन अब क्या है, अब प्रेशर घट रहा है ना, तो पी आई जो है पी के बराबर नहीं रखेंगे, बल्कि उससे कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो प्रेशर थे वो दोनों बराबर होते थे, लेकिन अब जो प्रेशर है वो दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अंदर की ओर रिजल्टेंट फोर्स यानी कुछ प्रेशर अंदर की ओर लग रहा है, मतलब रिजल्टेंट जो पहले वॉल पर ऐसे लग रहा था, अब उसे कम करने वाला फोर्स भी तो लग रहा है, क्योंकि पहले तो ऐसा माना ही नहीं जाता था कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, तो अंदर की ओर नेट
नेट जो है या रिजल्टेंट फोर्स जो है अंदर की ओर होगा ही नहीं, तो प्रेशर कम होगा ही नहीं, लेकिन अब प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, आइडियल गैस का प्रेशर जो है वो पी माना जाता था, तो पी आई बराबर पी था और वी आई बराबर वी था, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो इक्वेशन होती थी पी वी बराबर आर टी, है ना। लेकिन अब क्या है, ध्यान देना, पी बराबर, मैंने कहा पहले आइडियल गैस का प्रेशर पी होता था, और जो पी है ये है रियल गैस का प्रेशर। अब जो मैंने बताया रियल गैस का प्रेशर है वो घट जाएगा, किससे, आइडियल गैस के प्रेशर से घट जाएगा। ठीक है, तो कितना घटा, तो बीटा से डिनोट किया। बात समझ में आई ना भाई। अब जो रियल गैस का प्रेशर है, ये पी क्या है, ये है प्रेशर, है ना, एग्जर्टेड बाय, प्रेशर एग्जर्टेड बाय रियल गैस, रियल गैस के द्वारा लगने वाला दाब। ठीक है, जो पी है, क्लियर है ना, पी क्या है, रियल गैस के द्वारा लगने वाला दाब है ना, वो प्रेशर। इसी प्रकार वी क्या है, वॉल्यूम रियल गैस के लिए है ना। तो मैं बता दूं आपको, वहां ना लिखा हो तो लिख लेना, वी बराबर क्या है, ये वॉल्यूम है ऑफ रियल गैस। ठीक है, इसी प्रकार पी क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय रियल गैस। तो रियल गैस के द्वारा लगने वाला जो दाब है ना पी, वो पी आई से कम होगा, क्योंकि पी आई जब पी के बराबर था तो तब तो माना ही नहीं गया था, है ना। जब पी पी आई के बराबर था तब तो माना ही नहीं गया था कि अंदर की ओर कोई अट्रैक्शन फोर्स है ना, जिसे आप इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, है ना। तो लेकिन अब माना गया है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो प्रेशर है घट जाएगा, क्योंकि अंदर की ओर भी प्रेशर लग रहा है थोड़ा, है ना। तो मान लो कितने गुणक से घटा, कितने फैक्टर से घटा, बीटा, और बीटा की जो वैल्यू है वो ये होती है ना, बीटा प्रोपोर्शनल होता है 1/v² के। तो यहाँ से जो बीटा है वो आता है a/v², प्रोपोर्शनलिटी साइन को, समानुपातिक नियता, इसे चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है कॉन्स्टेंट, इसे वैन डर वाल ने a का नाम दिया। तो बताओ p बराबर क्या हो जाएगा, पी आई माइनस a/v². ठीक है जी। तो यहाँ से पी आई कितना आया, पी आई आया आपका पी प्लस a/v². ठीक है जी। तो इसी प्रकार आपने वी आई निकाला, इसी प्रकार आपने पी आई निकाल लिया है। ठीक है, a जो है आपका, इसे कहते हैं, मतलब a/v² को बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। ये इंटरनल प्रेशर है इस इंटरनल अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण, है ना, जो प्रेशर घटा था, है ना, वो क्या है, a/v², ये मैं लिख दूं वेयर करके, a/v² क्या है, इंटरनल अट्रैक्शन, इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दाब, ये इंटरनल प्रेशर है। और मैंने b बताया था, b को क्या बताया था, को वॉल्यूम। ठीक है, लिख लेना b क्या था, वही लिख लेना, को वॉल्यूम। और ये दोनों ही 1 मोल के लिए है, इंटरनल प्रेशर फॉर 1 मोल, ए भी कांस्टेंट रहता है 1 मोल गैस के लिए और बी भी कांस्टेंट रहता है। तो पी आई और वी आई की इक्वेशन वैल्यू जो है, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल सकते हैं इसे, बल्कि फर्स्ट तो ये थी, तो ये सेकंड और ये थर्ड, तो सेकंड और थर्ड से वैल्यू रख दो, किसकी, पी आई और वी आई की। तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी ना, देखो क्या आएगी, फर्स्ट इम्प्लाइज पी आई की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, पी प्लस a/v², और वी आई के रखोगे तो v-b = rt। ठीक है जी, नीचे लिख देना, इट इज़ द वैन डर वाल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए है ये। और आपको म्यू मोल के लिए निकालनी हो, म्यू मोल गैस के लिए, तो क्या हो जाएगी, पी प्लस a μ² / v² v-μb और बराबर μrt। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि म्यू मोल गैस के लिए वैन डर वाल गैस इक्वेशन बताओ, तो ये भी आप याद रखेंगे, पी प्लस a μ² / v² v-μb = μrt। ठीक है, तो 1 मोल गैस के लिए हमने डेरिवेशन किया और म्यू मोल के लिए हमने डायरेक्ट बताया। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो इसके साथ एक क्वेश्चन लग के आता है, आपसे कहता है कि जो ये है वैन डर वाल गैस इक्वेशन, उसके लिए थ्योरेटिकल कर्व खींचिए, है ना, पी और वी के बीच, और उस कर्व की कंपैरिजन कीजिए एक्सपेरिमेंटल कर्व से। यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कर्व पीवी कर्व आता है ना, उससे कंपैरिजन कीजिए थ्योरेटिकल पीवी कर्व की। थ्योरेटिकल यानी जो इस इक्वेशन से पी और वी के बीच कर्व बनेगा, एक तो वो कर्व, और एक जो एक्सपेरिमेंट से कर्व बना था जो कि एक्सपेरिमेंट एंड्रयू ने किया था, उन दोनों कर्व की आपको कंपैरिजन करनी है। तो इसी में आता है क्वेश्चन ये, तो हेडिंग है कंपैरिजन, है ना, ऑफ थ्योरेटिकल कर्व। ठीक है, थ्योरेटिकल कर्व की कंपैरिजन करनी है आपको किसके साथ, थ्योरेटिकल पूरा ही लिख दो पीवी कर्व, पी और वी के बीच है ये कर्व, तो कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकल पीवी कर्व विद, है ना, एक्सपेरिमेंटल, विद एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व। ठीक है जी, या एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व मैंने बताया एंड्रयू ने किया, साइंटिस्ट एंड्रयू ने, तो इसे आप एंड्रयू कर्व भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको करना क्या है, आपको थ्योरेटिकल पीवी कर्व की, ठीक है, कंपैरिजन करानी है किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व के साथ। तो थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, सैद्धांतिक वक्र है ना, और एक्सपेरिमेंटल का क्या मतलब है, प्रयोगात्मक वक्र है। यानी जब एंड्रयू ने एक्सपेरिमेंट किया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, तो उस दौरान जो पी और वी के बीच कर्व मिला था उसे कहते हैं एंड्रयू कर्व। ठीक है, और वही एक्सपेरिमेंटल कर्व है आपका। ठीक है जी, और साथ में थ्योरेटिकल पीवी कर्व वो है जो इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच कंपैरिजन करनी है क्या क्या अंतर होता है। तो देखो पहले एक्सपेरिमेंटल कर्व निकालने के, ये थ्योरेटिकल कर्व बनाने के लिए यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखियो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर आएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी। ठीक है जी, तो पी बराबर क्या आएगा, आर टी अपॉन वी माइनस बी। ठीक है, ये इधर चला गया माइनस का ए अपॉन वी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पी की वैल्यू निकल गई। इस पी की वैल्यू की हेल्प से, है ना, आप अलग अलग टेम्परेचर पर जब ग्राफ खींचेंगे, टेम्परेचर बदल बदल कर, तो फिर जो ग्राफ मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा। ध्यान दो, पी वी कर्व है, तो इस एक्सिस पर प्रेशर और इस एक्सिस पर वॉल्यूम। ठीक है जी, तो देखो ग्राफ ऐसा ही है, ऐसा ग्राफ बनाया था ना आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन ये बनाया था ना आप जब क्लोसेस क्लेपर एंड लेटेंट हीट इक्वेशन पढ़ाई थी, इस टाइप का। तो देखो, लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं मिलता, ये थ्योरेटिकली ऐसा मिलता है। ठीक है जी, इस तरीके से मिलता है थ्योरेटिकली, क्लियर है। तो एक ये बनाया और एक ऐसा और बना दो, मतलब ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए उन्होंने। ठीक है जी, दो हो गए, और इसी प्रकार आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने हैं, तीन हो गए। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपके ग्राफ हैं, है ना, नाम रख सकते हो ए, है ना, बी, सी और डी, ऐसे ही सबके नाम रख सकते हो, है ना, ई एफ हो जाएगा, है ना, ई एफ जी एच, बस एक का ही चलो लिख लो, बाकी के लिख, है ना। और ध्यान दो, तो ये है आपका थ्योरेटिकल ग्राफ। इसका जो टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस है ना,
और इसका जो टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, और इसका जो टेम्परेचर वो 31.1 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, और इसका टेम्परेचर 35.5 डिग्री सेल्सियस, और ये ग्राफ बनाया उन्होंने 48.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, क्लियर है, याद रखने के लिए याद रखना 15151 इस तरीके से, है ना, तो 13.1 डिग्री सेल्सियस पर ये ग्राफ है, 21.5 पर ये है, और 31.1 पर ये है, 35.5 पर ये है, और 48.1 पर आपका ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने बताया ये है, ये थ्योरेटिकल पीवी कर्व है ये, ठीक है जी, कौन सा कर्व है, थ्योरेटिकल पीवी कर्व, क्लियर है। तो ये थ्योरेटिकल पीवी कर्व है जो आपको दिख रहा है, और अब आपको जो इसकी कंपैरिजन करनी है वो किसके साथ करनी है, एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व को तो मैंने नाम बताया कि एंड्रयू कर्व भी कहते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व कह दो, ये इसका एक नाम क्या बताया, एंड्रयू कर्व भी मैंने बताया इसका एक नाम, ठीक है। तो देखो ये भी बस थोड़ा सा अलग है, देखो इसमें ऐसे बना लो, बनाने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से देखो ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपको इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से ग्राफ है ये, ठीक है, ऐसे ही बना रहे हैं पांच, ठीक है जी, तीसरे वाला, है ना, इस तरीके से, और ठीक है जी, तो ये जो है ये है एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व, किसका, एंड्रयू का। तो ये है आपका थ्योरेटिकल पीवी कर्व, और वो है आपका एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो आप इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर तो इनके यही रहेंगे, है ना, ये जो ग्राफ खींचा है 13.1 डिग्री सेल्सियस पर खींचा हुआ है, ये दूसरे वाला जो ग्राफ है ये आपका 21.5 पर ही खींचा हुआ है, और जो तीसरा है ये है 31.5 पर, बल्कि 31.1 है ये, है ना, डिग्री सेल्सियस, और जो इससे अगला है वो है 35.5 पर, और वो सबसे लास्ट वाला 48.1 डिग्री सेल्सियस पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो फिर कहा इसमें, इनमें कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन करते हुए आप एक बात पा रहे हैं कि हायर टेम्परेचर्स पर तो लगभग सेम है या नहीं, देख लो ये तीनों, है ना, लगभग सेम से हैं दो, है ना, तो इसका मतलब है हायर टेम्परेचर पर तो इनमें रिजेंबल्स मिलती है, समानता मिलती है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर नहीं मिल रही। लोअर टेम्परेचर जैसे कि 13.1 का है, तो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंटली, एंड्रयू के एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व में एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सीधी रेखा, और यहाँ देखियो यहाँ ऐसे मिल रहा है ना, यानी ये मान लो बी है, ये बी है ना, और ये मान लो सी है, स्मॉल सी, तो जो बी है इस बी सी ग्राफ में क्या है, ये स्मॉल बी मैक्सिमम है ना, और सी क्या है, बी सी ग्राफ में मिनिमम है, तो मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पर क्या मिल रही है, केवल एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है जी, तो ये अंतर है, ठीक है जी, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कर्व में। लोअर टेम्परेचर पर तो डिफरेंस ये रिजेंबल्स नहीं मिलती है समानता, और हायर टेम्परेचर पर थोड़ी सी समानता मिलती है, ठीक है जी।
बात समझ में आ रही है आपको? और देखो ध्यान दो, ये जो है यहाँ पर एक चीज और हो रही है, ये क्या है? थ्योरेटिकल कर्व। यहाँ पर आप देखें पीछे की तरफ, बी से सी तक चलो, स्मॉल बी से स्मॉल सी तक, तो आप देख रहे हो ग्राफ नीचे चल रहा है, इसका मतलब प्रेशर घट रहा है, और ग्राफ पीछे भी चल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी घट रहा है। और ऐसा कहाँ होता है? आप एक बात जानते हो, है ना, जो V है वो समानुपाती होता है 1/P। प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो प्रेशर भी घट रहा है क्योंकि ग्राफ नीचे चल रहा है, और ग्राफ पीछे चल रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा है, तो प्रेशर भी घट रहा है वॉल्यूम भी घट रहा है, ऐसा कहाँ पॉसिबल है? तो एक्सपेरिमेंट में, व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता है। व्यवहार में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा मिलता है, है ना, कि मतलब थ्योरेटिकली ये ग्राफ मिलता है सी वे बी बी सी सी, ठीक है, और ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व में एंड्रयू को नहीं मिला था, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल ग्राफ था और ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, दोनों के कंपैरिजन की मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं, बस अब इनकी लैंग्वेज मुझे लिख देनी है, ठीक है जी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और अब देखो एक चीज़ और पूछी जाती है इसके साथ ही आपसे, आपसे पूछता है नेचर ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, है ना, इसी के साथ। तो नेचर पे बात कर लेते हैं वंडरवॉल फोर्सेस की, क्लियर है। इन ग्राफ को रफ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हेडिंग डालो नेचर ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है जी। जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं उनकी नेचर के बारे में पूछता है, नेचर ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है जी। तो इनकी नेचर को तो आपको पता ही है, ये कैसे होते हैं? वीक होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, है ना, और अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, क्लियर है ना, आकर्षण वाला प्रकृति है इनकी, आकर्षण वाली। दुर्बल हैं और शॉर्ट रेंज्ड हैं, शॉर्ट रेंज्ड यानी कि जो इनकी रेंज है ना परास, वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसी कारण जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, है ना, या जो भी इनसे बनते हैं, इनके मतलब वंडरवॉल फोर्सेस से, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, बहुत कम रहते हैं उस टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्लियर है, सब्सटेंस होते हैं जिनमें वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं, ठीक है जी। और देखो वो भी कम होगी स्ट्रेंथ, है ना, इसी में कह सकते हो जो स्ट्रेंथ है वो भी कैसी होगी? कम होगी। बात समझ में आई? तो आप याद रखेंगे वंडरवॉल फोर्सेस की नेचर कैसी होती है, है ना, दो तीन पॉइंट आप बता सकते हैं कि वो वीक होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, और शॉर्ट रेंज्ड होते हैं, यानी उनकी जो परास है वो बहुत कम होती है। और वंडरवॉल फोर्सेस के कम होने के कारण जो बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी या लिटिल एनर्जी, है ना, इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी, टू ब्रेक, है ना, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये फोर्सेस वीक हैं तो इन बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, क्लियर है। और ये जो फोर्सेस हैं, है ना, वंडरवॉल फोर्सेस, पूरा लिख लेना, ये बस की पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं तो आपको, लैंग्वेज तो मैं अच्छे से लिख के दूंगा आपको। जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, है ना, वो ही जो वीकर वीक होते हैं किसकी तुलना में, देन फोर्सेस इन, है ना, आयनिक, जो आयनिक हैं एंड, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं,
ठीक है जी। कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स में जो फोर्स है ना, तो वंडरवॉल फोर्सेस, फोर्स कह दो चाहे, इज वीकर देन फोर्सेस इन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। भाई आयनिक बॉन्ड्स के बीच जो फोर्स है और कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो फोर्स है ना, वो बहुत अधिक होता है, और वंडरवॉल जो फोर्स है वो बहुत कम होते हैं, यानी वंडरवॉल बॉन्ड में जो फोर्स है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। तो इट इज इजी, है ना, इजी है टू ब्रेक और कंप्रेस, या एंड भी कर दो। ठीक है, इस टाइप के सब्सटेंसेस को कंप्रेस करना, है ना, या ब्रेक करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने नेचर बता दी वंडरवॉल फोर्सेस की, और ये प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। भाई गुण पूछ ले तो भी तो आप ऐसे ही कह सकते हो, है ना, क्लियर है ना। तो गुण पूछ ले तो भी यही बात है, नेचर पूछ ले तो भी यही बात है, कर लोगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें वंडरवॉल गैस इक्वेशन की ड्रॉबैक्स यानी कमियां और पूछता है, लेकिन उससे पहले एक नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, तब आपको कमियां समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।